ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मलाड में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक महिला की मौत हो गई है जबकि चार अन्य झुलस गए हैं। मलाड इलाके के एक चौल में सुबह करीब 8 बजे के दरमियान एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और ये धमाका इतना ज़ोरदार था कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके की वजह से घर की दीवार भी गिर गई और इस मलबे में कई लोग दब गए। धमाके की आवाज़ सुनकर इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और तत्काल घायलों को अस्पताल भेजा गया। इतना बड़ा आवाज़ आ गया कि वो आवाज़ से बाहर आ गए तो दो लड़की थी 70% वो जली हुई थी लड़की थी। वो फिर उनको रिक्शा में डाल के दोनों को लेके गए। बाद में मैं अंदर, वो लड़का पूरा खून से मखा हुआ था, तो मैंने कैसे वो लड़की को उठाने की कोशिश किया लेकिन उठ नहीं पा रही थी। तो उसका एक्चुअली फ्रैक्चर हुआ था कमर के अंदर और पैर का था, वो पैर का उसका पूरा पैर ये थोड़ा क्रिच हो गया था। तो वो भी उसको बोला तुरंत दूसरा रिक्शा मंगा दिया और चला दोनों को हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। इतने में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और पुलिस स्टेशन के सब लोग आ गए। तो क्या एक्चुअली अंदर जो है पोजिशन बहुत ख़राब है कि एक्चुअली पूरा टूटा हुआ है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली गैस लीकेज हुआ है, लीकेज होने से गैस फटा नहीं है, सिलेंडर फटा नहीं है, गैस लीकेज होने से ये हुआ, ऐसा हुआ है। दो लड़की थी और उनकी माँ एक्सपायर हो गई। दो लड़की में से एक लड़की शायद एक्सपायर हो गई करके ये लोग बोल रहे हैं। मुझे तो मालूम नहीं कि मैं कहीं चला गया, इधर ही मैं हूँ। तो पुलिस वाले सब मेरे घर में ही बैठे हुए थे, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। तो इसलिए मैं लड़की के बारे में, दो में से एक चली गई ऐसे बहुत सुन रहे। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं जबकि इनमें से एक युवती की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर अग्निशमन दल और पुलिस भी पहुंच गई और इस पूरे मामले की जाँच पुलिस कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।